कहीं ट्रैफिक का सामना करके आ रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मुकाबला थोड़ा देर से हो रहा है। लेकिन टॉस की बात करेंगे, यहाँ पर टॉस का बॉस रहे यहाँ पर स्कासर रोडोली टीम ने, यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले देखे गेंदबाजी के फासला लिए हैं और चार ओवर की मैच देखें। यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ, मशिंदर सर ने जिक्र किए थे पहले कि समय किसी की मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं। समय के हिसाब से देखिए यहाँ पर बात करेंगे, तो चलिए मैडी सर देखिए यहाँ पर धारावा के खिलाड़ी यहाँ पर तशरीफ रखते हुए बढ़िया देखिए यहाँ पर नबी मुंबई से टीम है आज देखिए ठाणे विभाग के कासर रोडोली। देखिए कासर रोडोली कहा जाए तो बहुत बड़ी गांव है, मैंने पिछले साल नाइट मुकाबले में आया था संदीप दादा भुईर है, जहाँ पर एक रात में 8 फुल कासर ओडोली की खास बात करेंगे ना टीम देखने को मिले थे बहुत। लेकिन यहाँ पर देखिए एक उनके टीम यहाँ पर उतरे हैं, अयूब शेख देखिए जिस टीम के कप्तान हैं, और ये टीम ने देखिए ऐसा नहीं ठाणे रायगढ़ महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं, लेकिन सामने देखिए यहाँ पर उतने ताकतवर तगड़ा टीम है। चलिए यहाँ पर गेंद की मांग हो रही है निश्चित रूप से, दोनों सलामी बल्लेबाज है। मशिंदर सर कहते हैं ना जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट से भावेश पवार से थोड़ा बच के रहना। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, देखिए दो बल्लेबाज है और दोनों टीम के 12 मैन है। तो चलिए कासरवाली टीम की बात करेंगे, एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना बाबूशाह सर दोन्ही संघांना मी देतोय, प्रथमतः तुम्हाला चॉईस चेंडू देण्यात येईल, अन्यथा तुम्हाला चार षटकामध्ये कधीही चेंडू हरवला फुटला डॅमेज झाला तर तुम्हाला नो चॉईस चेंडू असेल आणि नवीन चेंडू तेव्हा येईल मैदानाच्या आतमध्ये, याची नोंद घ्यायची आहे, ही महत्त्वाची सूचना। तो चलिए यहाँ पर मैडी सर कहते ना जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर के पत्थर से भी अपनी रास्ता बना लेते हैं। हमारे लाडले आयुषक देखिए बात करेंगे यहाँ पर से, बाला दादा राउत देखिए यहाँ पर से, जिनके प्यार के खातिर देखिए कई सारे यहाँ पर मेहमान देखिए तस्वीर रखते हुए सभी का तहदिल से स्वागत। देखिए आने वाले भविष्य बात करेंगे, भावी नगर शेवक देखिए, और बहुत सारा दुआ इन्हें कि आने वाले समय में और नाम और तरक्की करें निश्चित रूप से, और समाज में देखिए एक बेहतर काम करने के साथ साथ इस टेनिस क्रिकेट में एक ऊंचा दर्जा देते हुए, और कितने शान शौहरत के साथ देखिए इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया था, और उसके साथ इस टूर्नामेंट की बात करेंगे कल अंतिम दिन रहेगा, और आज जो कहते ना 32 टीम का आखिरी 8 टीम आज आमने सामने होंगे, जिसमें देखिए पहला मुकाबला हो चुका है जहाँ पर चांबरले टीम ने शिकस्त हुई, माहौल गाँव टीम ने पहला मुकाबला जीत चुका है और सेकेंड राउंड के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन आज का दिन का बात करेंगे, ये सेकंड मुकाबला है, थोड़ा देर से हो रहा है इसलिए देखिए यहाँ पर 5 ओवर की जगह हमें 4 ओवर इस मुकाबला को लेना पड़ रहा है, लेकिन मुकाबला होने में थोड़ा देर लग रहा है। लेकिन यहाँ से गुजारिश करेंगे कासरवाली टीम के खिलाड़ी को, फील्ड खोल दीजिए और दोनों बल्लेबाज आप भी तैयार रहिए। देखिए हमारे दो अंपायर यहाँ पर जतिन सर देखिए उनके साथ बात करेंगे, अभी सर देखिए अंपायर, सूरज केने देखिए आने वाले बल्लेबाज, मेघनाथ और भावेश पवार। कहते हैं ना दुकान में अब ताला लगने वाला है, क्या अगला बल्लेबाज सर भावेश पवार आने वाला है, क्योंकि 18 गेंद बचाए हैं, क्या काफ़ी जल्दी बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे यहाँ पर। और देखिए सर भावेश पवार का यही हम जिक्र करते हैं, पहले वो अपने खिलाड़ियों को युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं और खुलकर देखिए आज इतना बड़ा मजबूत टीम बना लिए हैं कासरवाली टीम। देखिए यहाँ पर लगातार फील्ड में थोड़ी सी बदलाव, तो चलिए गेंदबाज है, ओहो बढ़िया गेंद, कहते ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है, और कमाल का यहां पर ब्लॉकल की गेंद था और पहला सफलता। तो चलिए यहाँ पर पहला विकेट से मिलता हुआ देखिए ब्लॉकल में गेंद इतना आसान नहीं रहता है, और टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए 16 पर रुका है, लेकिन यहाँ पर मेघदात केने देखिए संदेश केने के बंधु देखिए दोनों भाइयों का जोड़ी, एक भाई ने यहाँ पर स्ट्रगआउट पर आते हुए दूसरे भाई देखिए मैदान पर प्रवेश करते हुए। मच्छिंद्र सर हम बात कर रहे थे देखिए ब्लॉकल पर गेंद रखना टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है, बहुत चिकनापन रहता है इस गेंद में, और अब जसप्रीत बुमराह के हाथों में लेदर गेंद देखते हुए 6 का 6 ब्लॉकल में डालना आसान रहता है, लेकिन टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है।
लेकिन इन ग्रामीण के खिलाड़ियों ने ये करके दिखाए हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये गेंद फुल लेन का बन जाता है, फुल टेच बन जाता है, बल्लेबाज बड़ी आसानी से छक्का लगा लेते हैं। इसलिए टेनिस गेंद जितना मदद बल्लेबाजी को मिलता है ना, उतना मदद गेंदबाज को नहीं मिलता है। लेकिन जिस टीम में गेंदबाजी उच्च कोटि की हो, नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना, तो देखिए नई गेंद से यहाँ पर विकेट मिलता हुआ थोड़ा देर से आया, लेकिन अभी तक हम दुरुस्त तो नहीं कहेंगे। और ये चलिए नजरे कहीं निगाहें कहीं, ओहो और एक कमाल का कैच, यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, कासर रोड वाली टीम देखे टॉस जीत कर जो डिसीजन लेते हैं अभी तक देखे कारगर साबित होते हुए। बाबूशाह सर आपण पाहिलं तर भावेश पवार सर, भावेश पवार येतात एक इतिहास याच क्रीडांगणावरती, जेव्हा सन्माननीय मंगेशजी धुळे साहेब यांची स्पर्धा होती हिंदुहृदय सम्राट चषक 2020, त्या स्पर्धेचा प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट रेनॉल्ट क्विड कारचा मालिक होता तो म्हणजे सर भावेश पवार। बिलकुल बिलकुल सर, मगेश धुले साहब देखिए बात करेंगे, उस टूर्नामेंट का अभी भी इंतजार हो रहा है, हर विभाग से टीम आते हैं, जहाँ भिवंडी, रायगढ़ से, बदलापुर, मुरबाड़ लिशी, चलिए यहाँ पर पवन के लिए देखिए जो हमने जिक्र किए थे चेतन धुले जी और अमित जुलेकर सर, देखिए उनकी तरफ से खास करके बात करेंगे, दो चौके पवन ने लगाए हैं, अब मौका है यहाँ पर, पिछले ओवर में दो चौके दागे थे लेकिन यहाँ पर तीसरा चौके दागते हैं तो फिर पहुंच जाएंगे उस किताब तक। बढ़िया गेंदबाजी देखिए लगातार दो विकेट, और ये चलिए स्लोर गेंद, नकल गेंद, नजरे कहीं निगाहें कहीं, पवन केनी को देखे यहाँ पर चारों खाना की अच्छी थे, कितनी ना अच्छी इंसान अच्छी किताब जैसे खोलना पड़ता है हमेशा। हेलो अगदी समोरच्या दिशेने जे प्रेक्षक आतमध्ये बसले आहेत बाउंड्री लाईनच्या समोरच्या कॅमेऱ्याच्या दिशेने प्रेक्षक आतमध्ये बसले आहेत, त्यांना विनंती आपण मागे जायचं आहे, प्लीज समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत विनंती असेल आपण उठायचं आणि मागे जायचं आहे। बिलकुल मॅडी सर, भलाई बाउंड्री लाइन उसके अंदर है लेकिन जो व्हाइट पर्दा है ना, ये यूट्यूब के माध्यम से ऐसा लग रहा है बाउंड्री लाइन के अंदर दर्शक बैठे हैं, तो ये दर्शक हमारे हीरो हैं, उनसे गुजारिश करते हैं थोड़ा सा व्हाइट पर्दा जो है पर्दे के पीछे आप जाइए, क्योंकि आप हीरो हो इस क्रिकेट की बात करेंगे। मैडी सर यहाँ पर देखिए बांध कर यहाँ पर बल्लेबाज को रखे हैं पवन के, नहीं देखे यहाँ पर कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, जहाँ पर रनों की जरूरत है। और भावेश पवार देखिए नॉन स्ट्राइक पर है, शायद पवन देखिए मुझे लग रहा है वही कोशिश कर रहे हैं कि भलाई एक चौके या छक्का आ जाए जो डॉट गेंद का भरपाई हो जाए, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखिए। और ये चलिए बहुत बड़ा छोटा बाउंसर गेंद, वाइट का इजाफा, कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो बाउंसर, और ये शायद बाउंसर भी था और ज्यादा ऑप्शन के बाहर था, तीखा बाउंसर था, अंपायर की तरफ से कोई वार्निंग नहीं, निश्चित रूप से ये तीखा दिए, निश्चित रूप से बाउंसर दिए, वार्निंग शायद हमारे नजरे नहीं था, लेकिन बढ़िया देखिए यही बात, इसलिए हमने कहे सर के करीब से बहुत गुजरा यहाँ पर बाउंसर, और वाइट भी दिया गया और यहाँ से देखिए बाउंसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये चलिए पवन केनी के बल्ले से AK-47 छह रन, बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है। डीजे मास्टर आपका भी तारीफ करना चाहूँगा, यही बात का कि ऐसे इंसान रह गए तो फिर ये टेनिस क्रिकेट क्यों ना ऊपर तक पहुँचे और ये समाज में क्यों ना बेहतर काम हुए। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 23 रन, और देखिए यहाँ पर एक छक्के ने मुकाबला को कैसे थोड़ा से आगे लेता हुआ, जिससे कहते ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है, तो क्रिकेट में देखिए उसी तरह की एकाक चौके छक्के लगने से मुकाबला थोड़ा सा करीब आता हुआ, जहां पर रनों में अंकुश लगा था, बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी यहां पर, जितने भी तारीफ किया जाए गेंदबाज
सुयश का देखिए यहाँ पर, लेकिन से एक छक्के ने देखिए थोड़ा सा महंगा बनाया इस ओवर को, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा बहुत बढ़िया गेंदबाजी बांध कर रखें पवन केने को। देखते हैं आगे क्या पवन केने को यहाँ पर बांध कर रख पाएंगे। बहुत बढ़िया लंबा छक्का लगा यहाँ पर, दर्शकों की तादाद देखिए खचाखच, दर्शक देखिए यहाँ पर 9000 से ज्यादा इस मैच का मजा लेते हुए। और इस बार देखिए बढ़िया गेंद और पवन केने को फिर से किया चारों खाना चीत। कहती ना फूलों से दोस्ती कर लो तो कांटों से खतरा, अगर शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा। और डॉट गेंद के साथ साथ यहाँ पर टीम को देखिए इतना तो खतरा नहीं बना है, लेकिन थोड़ा दबाव आता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 23 रन बनाए हैं, लेकिन से अभी भी बात करेंगे ना यहाँ से 12 गेंद बचाए हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो टेनिस क्रिकेट .in लाइव ड्रोन कैमरा आप देख सकते हो बिल्कुल से हमारे मंच के सामने। देखिए जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखे हैं मैडी सर, देखिए यहाँ पर दूर दूर तक ये कहानी पहुँच रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in लाइव। देखिए दूध का दूध पानी का पानी अच्छी क्लियरिटी के साथ है। और ये देखिए इन हस्तियाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो जिनका मेहनत यहाँ पर रंग लाता हुआ। और खास करके बात करेंगे देखिए बाला दादा राउत जिनके ऊपर देखिए यहाँ पर प्यार है, दोपहर की कड़ी धूप में यहाँ पर दिखाते हुए उनका भी तहदिल से तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर। और मैदान भी देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। गेंदबाजी के लिए अयूब शेख, देखिए इस टूर्नामेंट के बात करेंगे लाडले आयोजक बाला दादा राउत, देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 30,000। कितनी बड़ी रकम देखिए यहाँ पर अयूब शेख के ऊपर, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। कहते ना कहीं घुंघरू मचलता है कहीं आंसू निकलता है, इनका नाम अयूब शेख है और इनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी से अच्छे अच्छे खिलाड़ी का पसीना छूटता है। लेकिन सामने देखे यहाँ पर भिवंडी का, कहते हैं ना तवाही का दूसरा नाम भावेश पवार, क्योंकि इनका बल्ला चलता है तो तवाही तवाही तवाही, क्योंकि जख्मी शेर है, कहते हैं ना घायल शेर की दहाड़ उसकी। गेंदबाज है फिर से अयूब तैयार, यहां से भावेश पवार यहां पर घुटना टेक तमाशा देख, एक रन तो आसानी के साथ होगा लेकिन दूसरे के लिए इस नो तो तुम्हें मैं, लेकिन आखिरकार रुके यहां पर एक रन से यहां पर संतुष्ट रहना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। यहां पर अयूब शेख के लिए देखिए बहुत बढ़िया यहां पर मौका है, यहां पर हैट्रिक विकेट के लिए देखिए हमारे लाडले आयोजक दादा की तरफ से देखिए 30,000। लेकिन टीम का टोटल देखिए बात करेंगे 24 रन बनाए, देखिए बढ़िया मैच यहां पर बनते जा रहे हैं। कहते हैं ना जो हौसला रखता है आसमान छूने का वो परवाह नहीं करते है जमीन पे गिर जाने का। दादा ने देखे क्या बढ़िया हौसला, 2,00,000 देखे फर्स्ट प्राइज यहाँ पर और पहला साल है और इस टूर्नामेंट में देखे लगता हुआ 4 चांद है। लेकिन अयूब शेख देखे अभी तक है दोनों बल्लेबाज को क्या बांध कर रख पाएंगे, दोनों बल्लेबाज अभी तक तो खामोश हैं लेकिन और कितना समय खामोश रख पाएंगे। दर्शक भी देखे शांत हैं पूरी तरह से, मुकाबला करवट कैसे बदल रहा है धीरे धीरे। ओहो बढ़िया क्रिकेट देखिए यहाँ पर, एक रन लेंगे बड़ी आसानी के साथ है, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और देखते देखते यहाँ पर है दूसरा रन और नजदीकी मामला, नजदीकी मामला हो सकता है अगर सर भावेश पवार का विकेट गिरा तो। देखिए भावेश पवार यहाँ पर चल रहे हैं, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, रेफर किया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देखिए बता रहा है कितना बड़ा विकेट है। कहते ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया, और अगर भावेश पवार का विकेट गिरा तो फिर सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया। रन आउट थे के यहाँ पर से लेना नहीं चाहते थे रन इस नो, लेकिन थोड़ा सा साझेदारी। और कितना बढ़िया क्रिकेट देखिए सर भावेश पवार के लिए, एक बार ताली बजना चाहिए, देखिए इंतजार नहीं किए। और देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो कितना बढ़िया, देखिए टेनिस क्रिकेट .in लाइव, दूध का दूध पानी का पानी, ओहो रह गए पीछे रह गए थोड़ा यहाँ पर निश्चित रूप से, इसलिए देखिए उन्होंने डगआउट पर आ गए यहाँ पर से। कितना बढ़िया क्रिकेट देखिए, बड़े खिलाड़ी के यही पहचान होना चाहिए। देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान क्यों कहा जाते थे, 34,357 रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट के भगवान, अगर गलत डिसीजन का भी शिकार होते थे ना फिर भी मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर आ जाते थे। तो चलिए आज बात करेंगे टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 25 रन। देखिए यहाँ पर गौरव सावंत सर, संतोष नानेकर, पूरी टेनिस क्रिकेट .in देखिए हर उनके बंदे की मेहनत है। टेक्नोलॉजी में देखिए दूध का दूध पानी का पानी, रन आउट लीजिए बीमार लीजिए, आज पूरी दुनिया में देखे छाए हुए हैं। इसलिए तो मैं कहा ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ गौरव सावंत सर का कहर नहीं, हर इलाके में देखिए गोवा लीजिए विदेश दौरा लीजिए
चलिए भावेश पवार का तो विकेट गिरा है, लेकिन पवन केनी क्या उस जिम्मेदारी को ले पाएंगे? लेकिन और एक बल्लेबाज है पर सूरज केनी मैदान के ऊपर बड़ा विकेट देखिए रनआउट के रूप में गिरता हुआ, और रनआउट में कोई बल्लेबाज आउट होना तो बहुत बड़ा जख्म एक गहरा देकर जाता है। भावेश पवार तो यही कहेंगे भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गहरों में दम था, और जहाँ मेरा बल्ला पहुँच रहा था वहाँ से चुना का लाइन थोड़ा सा दूर था। टेनिस क्रिकेट डॉट इन लाइन देखिए जिनके माध्यम से देखने को मिला। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 25 रन, और ये देखिए बढ़िया एक ऑफ ड्राइव फील्डर देखिए वहां पर तैनात है, एक रन गेन हाथ से निकला और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन, छोटे छोटे गलती से बचकर रहना होगा, एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबवा सकता है, एक छोटा सा गलती। देखिए बात करेंगे ना साई इलेवन घोरसाई टीम की, बल्लेबाजी जितनी ताकत है ना उससे कहीं ताकत उनकी गेंदबाजी भी है। तो चलिए हम बिल्कुल से यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 28 रन बनाए हैं, दर्शक देखिए पूरी तरह से शांत हैं, जानते हैं मुकाबला कैसे यहाँ पर पकड़ बनाई है। कासर ओडोली टीम देखिए यहाँ पर सूरज केनी भी यहाँ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिल रहा है। कहते हैं अगर दुश्मन के ऊपर हमला करना है ना तो फिर AK-47 सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन बातें नहीं बनेगी। कहते हैं ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा, कम से कम आपको 40-45 तक पहुंचना है ना, और फिर हर ओवर में एकाक जोखिम लेना होगा। क्या पवन के नहीं, कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। क्या नजराना दे पाएंगे पवन के नहीं, देखे नजराना दिया, उड़ाया गेंद को, वारे वाह, गिली 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 चंपा खोसे रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे, इस साल इस सीजन की बात करेंगे क्योंकि बदलापुर विभाग में इतनी बड़ी टूर्नामेंट और जहां पर देखे पहली मर्तबा सब्सक्राइब है, इस साल की बात करेंगे और 3000 से ज्यादा दर्शक देखे इस मैच का मजा ले रहे हैं, और मुकाबला में देखे थोड़ी सी यहाँ पर मजा आता हुआ क्योंकि पवन केनी ने बता दिया है भाई गम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए गुरु सागर में क्या हम समंदर में भी उतर जाएंगे, समंदर में भी उतर जाएंगे, लेकिन देखते हैं समंदर की गहराई। आने वाला 6 गेंद, टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 35 रन बनाए सूरज केनी, देखे ये एक हरपन मौला खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बल्ले से लीजिए गेंद से लीजिए कमाल दिखाता है, लेकिन जरूरत है यहाँ पर साई इलेवन घोरसाई टीम को एक अच्छी टोटल सेट करने के लिए। लेकिन कासरोली टीम की तारीफ करना चाहूंगा, अभी तक देखिए बांध कर रखे हैं पवन केनी A1 के नाम से जो पहचाने जाते हैं, इंतजार किए हैं अभी तक, लेकिन कहते हैं ना अक्सर दबे हुए राग के नीचे भी आग हुआ करते हैं। देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर से बाला दादा राउत साहब देखिए इनकी ये कामयाबी के मुकाम है, आज देखिए 3000 से ज्यादा व्यूवर्स हम देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, और बढ़िया काम देखिए, और ये चलिए उड़ाया गेंद को यहाँ पर हवाई फायर, वाना 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 ग्रैंड सिक्स। धन्यवाद डीजे, सूरज के नहीं बता रहे मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह, हर वक्त जलता हूँ अंगार की तरह, मेरा ही नाम सूरज के नहीं है और मेरी खेलने की अंदाज है 360 एबी डिब्लेस की तरह। विकी वूर्दे के डेलस्टेन आ चुके हैं धारावाहिक एक्सप्रेस, स्वागत है आइए विकी, और चलेंगे यहाँ पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और सूरज देखे यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे, ओहो ये क्या हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, और ये कैच देखिए कहते हैं ना मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, कहीं ये कैच मैच से बाहर ना निकाल दें, कहीं ये कैच था या 2 लाख था, क्योंकि देखिए सूरज केनी को आपने मौका दिए हैं, सूरज केनी को देखिए मौका दिए हैं, कहते हैं ना अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये कभी मत दीजिए, घर पे आया खुशी आप दरवाजे से लौटा देना, क्योंकि भावेश पवार का शिकार हो चुका था संदेश केनी मेघनाद केनी है, और मैदान पर देखिए ये जो दो जोड़ी थे ना ये थोड़ा आखिरी उम्मीद था, अगर यहाँ पर सूरज केनी का विकेट गिरता तो फिर दबाव पूरी पवन के ऊपर होता, तो पवन देखते इस बार स्ट्राइक पर हैं,
और ये चलिए उड़ाया वारे वा पवन के ने, जैसे बंदूक से निकलते गोली डिस्का 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 डिस्का। धनी भाटी से ये चलिए पवन केनी के बल्ले से निकलता हुआ उम्दा छक्का, लेकिन छह गोली वाला बंदूक नहीं चलेगा। AK-47 अभी भी तीन गेंद बचाए और व्यूअर देखिए और दर्शकों पर देखिए मैदान पर खचाखच। इसलिए कहते ना काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं। आज बाला दादा देखिए जो काम कर रहे हैं समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में, लोग उन्हें बड़ी स्क्रीन पर बड़ी टीवी पर देख रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ देखिए ऑन लाइव यहाँ पर दर्शक मैदान पर देखे। स्कोर की बात करेंगे हैट्रिक के ऊपर देखिए पवन केनी, और ये चलिए हैट्रिक छक्का तो नहीं होगा लेकिन चौवा देता हुआ यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी आखिरी समय में। ढूंढो रे ढूंढो साजना चार रन। धन्यवाद डीशे, और ये चलिए पवन केनी पहुंच गए 40 पे और टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 52-52 रन, लेकिन अभी भी दो गेंद है शेष है और अंतिम ओवर में देखे यहाँ पर बहुत यहाँ पर प्रहार होता हुआ एक रन आएगा बड़ी आसानी के साथ। क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? एसनो तू तू मैं और सूरज फंस गए यानी पवन भी फंस गए क्योंकि स्ट्राइक यहाँ से रहेगा नए बल्लेबाज के पास। धन्यवाद टीशे, स्क्रीन पर आप देख सकते हो बाला दादा देखिए चेहरे पे कितनी नूर है कितनी खूबसूरत है। मचिंद्र सर हमने पहले ही बताया कि अगर ये दादा बॉलीवुड में होते ना आज सलमान शायद भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन समाज में देखिए कितने बढ़िया काम करते हुए गरीबों को देखिए कोरोना मुश्किल समय में अनाज बांटना, उसके बाद मुश्किल समय में खड़ा उतरना और उसके साथ देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया देखिए टेनिस क्रिकेट है। दादा जरूरत है तुम्हारी उम्र भर के लिए यूना जाना पल भर के लिए, हमारे दिल में रहना हमारी एहसास बन कर रहा है और हमारी समाज और टेनिस क्रिकेट को ऐसे आगे बढ़ाना हमारे मुख्य है। दमदार रहा लाडले आयुषोक बन कर रहा है बढ़िया। देखिए यहाँ पर दादा का नेक इरादा निश्चित रूप से, और गेंद की बात करेंगे देखिए यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद बचा है, कहते ना कंकर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़ मारो। यहाँ पर दो फील्डर के बीच में गेंद और चारों खाना चीत कर दिया और आता हुआ यहाँ पर देखिए चौका आखिरी गेंद के ऊपर। मोड़ोली और उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर हेलो दारव के बीच में चेंज द गेम वडोली बी संघाचे कॅप्टन आणि अथर्व 11 दारावे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण यायचे टॉस आपण या ठिकाणी करणार आहोत। हेलो थोड़ा सा मॅडी सर आपको रुकना चाहूंगा यहाँ पर क्योंकि टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर पहुंचा है 57 रन है, जीत के लिए देखिए 58 रनों की टारगेट है, एक मुश्किल टारगेट है, लेकिन मशिंदर सर कहते ना रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवाते बाजी करो उसे कहते हैं। चलेंगे कमेंट्री बॉक्स पर मशिंदर सर के पास, उससे पहले चलते हैं मैडी सर के पास। या सर मैं अपन आदरणीय वामन दादा मात्रे बदलापुर से लाड़की शहर प्रमुख कुलगा बदलापुर नगर परिषद के माजी नगराध्यक्ष शुभ सन्मान करणार आहोत या व्यासपीठावरती या स्पर्धेची लाडके शिल्पकार बाळादादा राऊत यांच्या शुभ हस्ते हा मान सन्मान या व्यासपीठावरती होत असताना वामन शेठ बारकू मात्रे यांचा हा शुभ सन्मान। व्यासपीठावरती होत असताना आपण पाहतोय बाळादादा राऊत यांच्या शुभ हस्ते, तदनंतर सन्माननीय विरेजी धोत्रे साहेब आपण देखील यावं, आपला देखील शुभ सन्मान केला जाईल विरेजी धोत्रे साहेब। त्यानंतर सन्माननीय रोहनजी पाटील युवा सेना शहर प्रमुख बदलापूर शहर यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल।
रोहन जी पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान, तदनंतर सन्माननीय अजिंक्य शेलार ही ते उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल। अजिंक्य शेलार सन्माननीय अजिंक्य शेलार साहेबांचा शुभ सन्मान होते, तदनंतर सन्माननीय नयनजी मोठे साहेब तदनंतर सन्माननीय उत्तम शेठ गवली सर्व मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आरजीआर ग्रुपच्या वतीने चालू असलेला हा क्रिकेटचा दैदीप्यमान सोहळा आणि मान्यवरांची उपस्थिती या स्पर्धेसाठी, तदनंतर सन्माननीय वैभवजी मोठे साहेब सन्माननीय वैभवजी मोठे साहेब सन्माननीय बंटी कोंडीलकर साहेब उत्तमजी गवळी साहेबांचा शुभ सन्मान होतो या व्यासपीठावरती, तदनंतर वैभवजी मोठे अठ्ठावन्न धावांचं टार्गेट आहे मैदानाच्या आतमध्ये दोन संघ आपण पाहतोय। तत्पूर्वी काही सन्मान आहेत, सन्माननीय बंटी कोंडीलकर साहेबांना विनंती करेन आपण यावं पुढे, आपला देखील शुभ सन्मान केला जाईल। तदनंतर सन्माननीय बंटी मस्कर सर इथे उपस्थित आहेत, टॉस साठी याचे धारावी वर्सेस चेंज द गेम वडवली भी कमलेश इथे उपस्थित आहेत, धारावी टीमचे कॅप्टन विकी भोईर। चला आपण याचे प्लीज फास्ट बंटी मस्कर यांचा शुभ सन्मान होईल। सन्माननीय विरेजी धोत्रे साहेब आपण देखील यावा, टॉस केला जाईल या ठिकाणी बदलापूर शहराचे लाडके व्यक्तिमत्व सर्वांचे लोकप्रिय आदरणीय वामनदादा बारको म्हात्रे यांच्या शुभास्ते बदलापूर शहराचे शहर प्रमुख आणि कुलगा बदलापूर नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष साहेबांच्या शुभास्ते टॉस केला जाईल। दोन संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत, धारावे अथर्व इलेव्हन धारावे वर्सेस चेंज द गेम वडवली बी सन्माननीय विरेजी धोत्रे साहेब यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती आणि दादांना विनंती करेन आपण यावं पुढे, आपल्या शुभास्ते टॉस केला जाईल दोन संघांमध्ये। ज्या ठिकाणी चेंज द गेम वडवली बी संघाचे कमलेश पाटील आणि विकी धारावे नक्कीच आपण पाहतो, विकी भोईर असेल धारावे संघाचे, अथर्व इलेव्हन धारावे हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल। टॉस या ठिकाणी वामनदादा यांच्या शुभास्ते, काटा येतोय छापा येतोय नक्कीच आपण पाहतोय, काटा असा कॉल होता आणि टॉस जिंकलाय तो धारावे अथर्व इलेव्हन धारावे संघाने। विकी आपण काय निर्णय घ्याल? प्रथम आम्ही गोलंदाजी करू। तुम्ही दूरचा प्रवास करून आज या बदलापूर नगरीमध्ये दाखल होत आहे, प्रथमतः तुमचं स्वागत असेल, तर पाच षटकामध्ये तुम्हाला गोलंदाजी करायची आहे, मग काय या मॅच मध्ये रणनीती असेल? समोरचा संघ स्टेज गेम वडवली बी सध्याच्या घडीला भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे, तर मग काय स्ट्रॅटर्जी असेल? सर्वप्रथम आम्ही आयोजकांना माफी मागतो कारण आम्ही खूप उशीर केला इथे येण्यासाठी आणि आयोजन खूप असं सुरेख असं आयोजन केलेलं आयोजकांनी आणि इथे खेळण्याची मजा वेगळीच आणि समोर एवढी चांगली टीम आहे आणि खूप सारे प्लॅनिंग करून आम्ही इथे आलेलो आहोत। नक्कीच एक प्रश्न विचारेन, बदलापूरमध्ये आपण पाहतोय तब्बल 2 लाख रुपयाची स्पर्धा
आपण जर विचार केला तर कल्याण डोंबिवली पासून कर्जत पर्यंत अजूनही एवढी मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली नाहीये। खारडीचा विचार केला तर खारडी सर्वात मोठी स्पर्धा आहे, परंतु या नगरीमध्ये ही अत्यंत चांगली संकल्पना सन्माननीय बाळादादा राऊत यांच्या माध्यमातून घडवली जाते आहे, तर मग त्याबद्दल काय सांगशील? स्पर्धा कितीही किमतीची मोठी असो किंवा छोटी असो, परंतु आयोजन एवढं सुंदर असेल तर सर्व खेळाडूंना खेळण्यासाठी मजा येते, कारण इथे प्रत्येक खेळाडूला ट्रॅक आहेत, टी शर्ट आहेत, सो प्रत्येक खेळाडू एक नव्या जोशाने खेळतो। तर धन्यवाद, हे होते विकी धाराभाई अथर्व, विकी भोईर धाराभाई संघाचे कॅप्टन, आणि त्यानंतर कमलेश पाटील अर्थात सर्वांचा लाडका कावा, एक जबरदस्त गोलंदाज म्हणून त्याची नेहमी वामनदादा ठाणे संघातून सलामीचा गोलंदाज म्हणून ओळखला जातोय। जेव्हा जेव्हा ठाणे रायगड सामना होतो तेव्हा पहिला गोलंदाज असतो तो म्हणजे कमलेश पाटील। टॉस गमावलाय, जर टॉस जिंकला असता टॉस महत्वाचा होता का तुम्हाला? हो नक्कीच, पहिली मॅच आहे आणि क्षेत्ररक्षणच केलं असतं आम्ही पण टॉस जिंकल्यानंतर। आता मात्र प्रतिस्पर्धी तुम्हाला फलंदाजी करायची, धारावी संघ देखील एक दमदार संघ आहे, नक्कीच आपण पाहिलं तर धारावी एक्सप्रेस विकी भोईरचा तुम्हाला सामना करायचा आहे। पाच षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? मोठं ग्राउंड आहे त्यामुळे जेवढं बनवायचं प्रयत्न करू, जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करू। शेवटचा प्रश्न विचारेन, कारण मॅच भरपूर चांगली आहे, प्रेक्षकांना त्याचा आनंद घ्यायचा आहे, आयोजनाबद्दल आणि सन्माननीय बाळादादा राऊत यांच्याबद्दल काय बोलशील? खूप चांगलं आयोजन आहे, खाडीनंतर बघायला गेलं तर आज दुसरा असा असेल की मोठा आहे आयोजन, आणि आयोजन चांगलं असले की खेळाडूंना देखील मजा येते खेळायला, ग्राउंड आउटफील्ड त्यामुळे मजा येते खेळायला। तर धन्यवाद कमलेश पाटील, मान्यवरांना विनंती करेन आपण देखील सन्मानपूर्वक स्थानापन्न व्हायचे, टॉस बॉक्स मधून आपण टॉस बॉक्स मधून न्यूज येते की सामना हा चार षटकांचा असेल याची नोंद घ्यायची, धारावी वर्सेस तीन द गेम उडवली आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने। नाउ बॅक टू क्रिकेट ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। मैडी मुकाबला चार ओवर का होने वाला, इस बात पर आपको गौर करना है, अभी बहक गए लगता है मुझे, चलेंगे रुक करके मैदान के ऊपर। जीत के 58 का लक्ष्य, दोपहर का मौक और कड़ी धूप और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, शानदार मुकाबला, पहले ओवर में चार रन मिले और हमारे पूरे अतिथिगण हमसे यहाँ पर विदाई लेते हुए, हमारे बदलापुर के आन बान शान, हमारे वमन जी मात्रे, हमारे इस बदलापुर के एक और आन बान शान, हमारे मंगेश दादा धूले, इनके माध्यम से अबर केट काटा जा रहा है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट डॉट इन ने 14 लाख सब्सक्राइब पूरे किए, जिसके बदौलत यहाँ पर केक काट कर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हम आप ही चाहेंगे यदि हमारी कॉमेंट्री आप तक नहीं पहुँच पा रही है, ये देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है हमारे बदलापुर के आन बान शान, हमारे सबके लाडले चहेते हमारे वमन दादा मात्रे, इनके शुभ हाथों से ये गौरव सर को केक खिलाया जा रहा है। 14 लाख सब्सक्राइबर हैं, टेनिस विश्व में यूट्यूब के ऊपर पहला ऐसा इतिहास उन्होंने रचा है जो इतिहास के पन्नों पर सुने अल्पाशों में दास्तान लिखी जाएगी, यही सफलता गौरव सावन की। बहुत बहुत शुक्रिया वामन दादा आपका और हमारे मंगेश दादा दूल्हे सभी का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वामन दादा आप आए बाहर आए, क्योंकि बदलापुर शहर के कार्य सम्राट, बदलापुर शहर के आन बान शान हमारे वामन दादा हमसे विदाई लेते हुए, साथ साथ हमारे बदलापुर एक और शान हमारे मंगेश दादा धूले हमसे विदा लेते हुए सभी कार्यकर्ताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लौट चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में, सदाबहार दुनिया में, 3500 से भी दर्शक इस मैच का लुप्त उठा रहे। जीत के लिए 58 का लक्ष्य, चार ओवर का मुकाबला, टॉस जीता पहले गोरसई टीम के सामने, कासरवेल टीम ने 57 रन बनाए, 58 का लक्ष्य। हमारे बाला दादा भी काफी खुश है इस प्रतियोगिता को ऊंचाई पर देख रहे और सफलता काफी बड़ी है। बलदादा 58 रन का लक्ष्य है, पारी का दूसरा और प्रगति पर, गेंदे हो चुके हैं चार और टीम का स्कोर यानी कि 14 गेंदे फेंकी जा चुके हैं, टीम का स्कोर हुआ है महज 8 रन। आसान सा अब तक तो मुकाबला, टेक ऑफ के यहाँ पर वाइट का इजहार किया, हैट्रिक भी पुकारेंगे लेकिन हमें समय तो मिलने थे दोस्त, क्योंकि समय ही नहीं मिला। सागर भोईर बरप इनके ओर से हैट्रिक, कोई भी गेंदबाज लेता है तो उनके लिए 2000 के नाम। माफी चाहेंगे हम आपसे फिर एक बार इस बीच गेंद, राउंड विकेट, कमाल की गेंदबाजी, फिंगर गोज अब अंपायर, वन मोर विकेट डाउन, एक और विकेट का सफलता और एनकाउंटर नंबर चार, चार विकेटे गिरी और टीम का स्कोर है महज 9 रन। वडौली टीम, कासर वडौली टीम यहां पर 57 रन बना, कासरवेल टीम के सामने 58 का लक्ष्य, 57 रन बनाए गोरसे टीम ने, लेकिन तारीफ करूंगा मैं भावेश का, हमने काफी बोलबाला किया था लेकिन बल्लेबाजी की पवन केने ने 41 रन की शानदार धुआंधार पारी के लिए, मैदान के चारों तरफ रन बनाए उन्होंने और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 57, जीत के लिए 58 का लक्ष्य। क्या इस मैदान के ऊपर कासरवेल टीम समय रहते अपने आपको बचा पाएगी या ये मुकाबला फाइट होगा? दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में दोपहर के ठीक
यहाँ पर 2:40 टेनिस क्रिकेट डॉट इन के 14 लाख सब्सक्राइब के पूरे होने के यहाँ पर मौके पर केक भी काटा गया, हम उनको भी बधाई देते गौरव से उनकी पूरी टीम को और लौट चलेंगे मैदान पर। रन नहीं बने मैदान पर, रनों के लिए संघर्ष जारी है। आपकी बात, तेज तरार गेंद, बल्ले का फेस खोला लेकिन ठीक से समय पर बल्ले पर ठीक से गेंद को नहीं ले पाए, नतीजा आपके सामने। स्वयं गेंदबाज ने यहाँ पर गेंद को मिड ऑन पर आकर फील किया, एक रन का इजाफा हुआ। ये ओवर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला। पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में 6 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 10 रन। पहला ओवर फेंका सूरज ने जिसमें उन्होंने 4 रन दिए और दूसरा ओवर भावेश पवार ने फेंका उन्होंने दिए 6 रन और टीम का स्कोर यहाँ पर 10 रन। जीत के लिए 58 का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा संघर्ष आप जीत के लिए लंबा सफर बनेगा। बच्ची भी 12 गेंदे, 48 रन की आवश्यकता। दर्शकों की धड़कनें काफ़ी तेज होती भी, मुकाबला काफ़ी बड़ा होगा ये उम्मीद रखी थी हमने, लेकिन मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा चलता हुआ। भावेश पवार ये काफ़ी बड़ा नाम है दोस्तों, भिवंडी के दुनिया का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की दुनिया का ये बड़ा नाम। कुल मिलाकर गोल से टीम ने 57 रन बनाए और 58 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। क्या समय रहते हुए कासरवडल टीम यहाँ पर जीत पाएगी या फिर ओम साई गोरसे टीम अपने बनाए हुए सपनों को सजा पाएगी, आ देखे जरा किसमें कितना दम है। बढ़िया गेंद, उतनी शानदार तरीके से गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, डिफान लिंक से आते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को उठाए समय दबलेबाज के पास एक रन पूरा करने का, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। पहला मुकाबला काफी शानदार रहा था, सांबरले बनाम माहुल गांव टीम, वो मुकाबला अंतिम दौर तक आया था और 2 गेंदों तक मुकाबला आया था, उसके बाद ये मुकाबला काफी समय बाद हो रहा है। दर्शकों की काफी तादाद मात्रा में खचाखच भरा है स्टेडियम, कई दर्शक यूट्यूब के जरिए में हमसे जुड़ पाए, मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूँ। कहीं भी मत जाना, देखते रहना क्रिकेट का इस संग्राम, क्रिकेट का महासंग्राम। टॉपेज, खिलाड़ी वहां पर दौड़ से आते हुए है, किशोर मुकादम कैच को लपकते हुए, आसान से कैच, विकेट नंबर 5 गोज डाउन, यानी कि आधी टीम यहाँ से बिल्कुल यानी कि आउट हो चुके। अब आधा का सफर यानी कि कोटे में उनके केवल 5 खिलाड़ी। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस पर कर रहा, खेलना चाहते थे ऊंचाई ज्यादा, हाई इन द एयर, फील्डर कम्स अंडर नेट, गुड जजमेंट एंड इज टेकन। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैमरा वर्क ऑन स्क्रीन बर्ड फ्रॉम टेनिस क्रिकेट डॉट इन, ब्यूटीफुल कैमरा वर्क। और यहां से विकेट नंबर 5 वह प्राप्त करते हुए दर्शक इस उम्मीद में बैठे कि मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन मुकाबला एक तरफा चलता हुआ, 5 विकेट गिरी यहाँ पर, आधी लाइफ लाइन समाप्त हो चुके हैं। ऑन द टॉस यहाँ पर खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बैकस्कर की रिजन में किशोर मुकाबदम थे, लेकिन इस बार गेंद उनके हाथ से छूट चुकी है और यहां से मिलेंगे महज 2 रन। दौर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुसकर में इजाफा और टीम का स्कोर यहां पर बताता हुआ 2 रन के साथ 13 रन। जीत के लिए 58 का लक्ष्य, जब आपके सामने बड़ा लक्ष्य हो तो आपकी उम्मीद भी बड़ी होनी चाहिए और आपका जुनून भी उतना बड़ा होना चाहिए। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को अलोंग द बैकलिप के साथ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन यहां से मिलेंगे मैच 2 रन। काफी चौकन्ने खिलाड़ी है और दोनों बल्लेबाज काफी रफ्तार से करण उनका साथ निभाते हुए, मोनिश यहां पर उनका साथ निभाते हुए, एक मोनिश हम देखते हैं नई मुंबई के और एक मोनिश हम देख पा रहे हैं कासरवडल टीम के। शुरुआत अच्छी नहीं मिली बल्लेबाजों को, और 2 विकेट, ऊंचाई ज्यादा, बाउंस किया इस गेंद को, अंपायर को तिरछी निगाह से देखा था बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, डॉटिंग की समाप्ति। दोस्तों कल इस मैदान के ऊपर गोटे अंपायर की अर्धक नटकारे हम देख पाएंगे, उनकी नटखट अदाओं से हम कल आपको रूबरू करेंगे। बहुत ही तेज गेंदबाजी, बहुत ही तेज गेंदबाजी, ओवर का समापन, कुल मिलाकर 3 ओवर का कैच समाप्त हो चुका, विकेट गिरी 5 और टीम का स्कोर यहाँ पर 15 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए लंबा सफर, 58 का लंबा सफर, इसके बीच में हथियार डाल दिए कासरवडल टीम ने और सफर काफी लंबा बनता जा रहा है। 58 का लक्ष्य, पहले ओवर में मिले 4 रन, दूसरे ओवर में मिले 6 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर में 10 रन, इस ओवर में मिले 5 रन, कुल मिलाकर 15 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर के समापन के बाद। 58 का लक्ष्य अब जीत के लिए समीकरण बनेगा काफी लंबा, यानी कि 6 गेंदे हो गए आपके पास और जीत के लिए 43 रन की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला, कोई मजा नहीं मुकाबले में, क्योंकि दर्शकों ने काफी उम्मीद रखी थी इस मुकाबले से। हमारे बाला दादा सबके आन, सबकी बान, सबकी शान बन चुके हैं, काफी कम उम्र में जो नाम कमाया उन्होंने काबिले तारीफ। ट्राइंग टू प्ले बिग शॉट बट ही कुडंट कन्वर्ट द स्ट्रोक बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्विक डिलीवरी। विकेट कीपर डूइंग वेरी गुड जॉब बिहाइंड द स्टंप, नॉट अ रन, देयर इज नो एनी चेंजेस इन स्कोरबोर्ड, 15 रन्स।
एक और शानदार गेंदबाजी, लेकिन अंपायर इस गेंद से बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है, दिस इज अनलीगल डिलीवरी। यहां से मिलेगा एक रन। अब मुकाबले में कुछ इतना मजा नहीं जितने की हमने उम्मीद की थी। दूसरे मुकाबले की हम तलाश कर रहे हैं। एक तरफा मुकाबला, क्विक डिलीवरी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी गेंदबाज कपिल की ओर से। एक कपिल पाटिल सांसद है और मंत्री बन चुके हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं भिवंडी के आन बान शान। और एक कपिल यहाँ पर गेंदबाज करते हुए बहुत ही शानदार नफीतुल गेंदबाजी। फिर एक बार वही अंदाज, पहली गेंद डॉट, दूसरी वाइड, तीसरी डॉट, चौथी वाइड, अब पांचवी के डॉट और छठी के वाइड, ये भी हो सकता है। दिस ओवर विल बी लेंथी, क्योंकि लेंथी ओवर रहेगा, बड़ा ओवर रहेगा। वाइड फेंक के गेंद कपिल ने, ये देखिए फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, डाउन द ट्रैक ट्राइंग टू प्ले द बिग शॉट, बट वंस अगेन ही कुडंट कन्वर्ट द स्ट्रोक। डॉट डिलीवरी, पहली गेंद अच्छी, उसके बाद वाइड, फिर डॉट, फिर वाइड, फिर डॉट, अब क्या, ये भी सवाल बनेगा मैदान पर। और ये देखिए ऊंचाई ज्यादा, हाई इन द एयर, फील्डर कम्स अंडरनीथ, इज जजिंग नाउ, यस टेकन, अक्षय इज देयर, गुड टेकन, सिक्स विकेट गोज डाउन, नॉट अ इंटरेस्टिंग मैच, यू आर वॉचिंग वन साइडेड मैच, नो नो एक्साइटमेंट, वी डोंट लाइक वन साइडेड मैच। और यहाँ पर पूरा ये मुकाबले में पूरी हबी होती नजर आई है साहिल इलेवन गोरसे टीम, साहिल इलेवन गोरसे टीम, गोरसे बी टीम। मजा आने आया मुकाबले में दोस्तों, लेकिन अगला मुकाबला दोस्तों दिल को थामे रखना, क्योंकि आपके सांसों को रुकाया जाएगा, आपके दिल की धड़कनों को रुकाया जाएगा, आपके दिमाग को सुन किया जाएगा, क्योंकि अगला मुकाबला काफी फाइट होगा। चेंज द गेम ओडब्ल्यू, एक तरफ है कमलेश यानी कावा, दूसरी तरफ है अथर्व इलेवन धारावे के विकी भोईर। बड़ा मुकाबला, ये मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है, केवल समय के ऑप्शन से बचा मुकाबला। जस्ट फॉर्मेट इज गोइंग ऑन, नो एक्साइटमेंट, वी आर वॉचिंग अ वन साइडेड मैचेस, स्पेक्टेटर्स लुकिंग वेरी डिसअपॉइंट बिकॉज द मैच इज गोइंग ऑन वन साइडेड, नो एक्साइटमेंट, ओनली वन साइड, जस्ट फॉर्मेट इज गोइंग ऑन। और यहां से कुछ बची गेंद, यहां पर वन फाइनल डिलीवरी ऑफ दिस इनिंग, वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम कपिल, ओ क्विक डिलीवरी, ट्राइंग टू प्ले बिग शॉट।